दूसरा कुछ अचीवर से भी मिले, कुछ क्या मतलब एक ही अचीवर से मिले होगी आप बीना शर्मा जी से, कितनी इनकम बताई उन्होंने? 1,20,000 है। पिछले महीने आया उनको 1,20,000। इनकम कैसी है? बहुत अच्छी। 1,20,000 बहुत अच्छी इनकम होती है। लेकिन जब हम नए नए किसी कंपनी का प्लान देखने जाते हैं पहली बार, तो ये हमें झूठ लगता है। और अब तो ये भी हालात हो गया है कि बहुत पुराने लोगों को भी अगर ये बताया जाए जिनको अनुभव भी है डायरेक्ट सेलिंग का, कितना पैसा आ सकता है, तो उनको भी झूठी लगता है। कई लोग तो यहां तक भी बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ बताते हैं, अकाउंट में नहीं आता है। तो जो भी इनकम यहां बताई गई है आपको, वो अगर आप चाहो तो उनकी बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हो, है ना। तो मतलब इतना पैसा आता है। और अभी कंपनी को चलते हुए कितने साल हुए? 9 महीने। साल तो हुआ ही नहीं अभी, 9 महीने हुए, 9 क्लोजिंग हमने कंप्लीट की है। अभी कंपनी शुरू ही हुई है जस्ट मान लीजिए। और अगर शुरुआत में कोई अगर हमारी कंपनी में 1,20,000 रुपए मंथली इनकम पे पहुंच गया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भरोसे थे। अच्छा, 1,20,000 इनको कितने महीने में आया? 9 महीने। एक ये गलत फहमी भी दिमाग से निकाल लिया हमें कि इनको 9 महीने में आया, ऐसा नहीं है। 1,20,000 इनको 9 महीने में नहीं आ रहा है। कब नेटवर्किंग शुरू की थी आपने? 2006 में शुरू की थी इन्होंने नेटवर्क बिजनेस को, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है? 22। अब समझ लो 23 ही आ गया, 2022 चल रहा है। कितने साल हो गए? लगभग 18-16। 16 साल की कड़ी मेहनत भी है इसके पीछे, 16 साल का पेशेंस भी है इसके पीछे, है ना। लोगों को लगता तो है, हाँ वो बात अलग है कि 16 साल में 3-4 कंपनियां चेंज की। और इसको इस इंडस्ट्री में लोग गलत भी बोलते हैं, अरे पहले उस कंपनी में थे या उस कंपनी में आ गए। लेकिन हमारे देश का एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि एक आदमी 10 नौकरियां चेंज कर लेता है, कोई कहने वाला नहीं है, ना। 6 महीने पहले मिलो, मैं जी फलाना SCL कंपनी में काम करता था जी, अच्छा आप कहाँ कर रहे हो? अरे अब तो मैं एप्पल कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, एप्पल में क्यों कर रहे हो? अरे वहां पे 1,00,000 रुपए महीने का पैकेज था, यहाँ 1,50,000 रुपए महीने का पैकेज है। लोग कहते हैं वेरी गुड यार, क्या बात है यार, बहुत अच्छा डिसीजन है तेरा। और एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में, वहां उसको अगर अच्छी इनकम नहीं आती है और वो कंपनी चेंज कर देता है, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे पड़ोसी, पूरी इंडस्ट्री पीछे लग जाती है कि तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है, कल उस कंपनी में था आज इस कंपनी में। तो ये जो इनका जो 17-18 साल का जो सफर है ना, ये उसके बाद की ये इनकम है 1,20,000 महीना। अब जब 17-18 साल हम सुनते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, इतना टाइम देना पड़ेगा। तो फिर अपने आप को चेक कर लेते हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सर आप क्या करते हैं? हम तो सिक्योरिटी का काम करते हैं। सिक्योरिटी का कितने साल से काम कर रहे हैं? मतलब नौकरी होगी ना, जॉब होगी ना, कितने साल से कर रहे हैं सर? 25 साल। एक बार जोरदार ताली बजा दो सर, 25 साल से जॉब कर रहे हैं। क्या नाम है सर? विजय शंकर तिवारी। तिवारी जी, इतना तो मैं जानता हूँ कि दिल्ली के तो रहने वाले नहीं है आप। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर, यूपी। एक बार बहुत जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। तो गोरखपुर यूपी में रहते हैं, तो दिल्ली NCR में क्या कर रहे हैं आप? रहने वाले तो यूपी के, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नौकरी कर रहे हैं यहाँ। तो एक सबसे बड़ा दुख समझ लीजिए, हाँ, कि पैसा कमाने के लिए अपना घर परिवार, अपना देश, अपनी मिट्टी भी छोड़नी पड़ती है। 25 साल से काम कर रहे हैं सर, आज की डेट में मंथली इनकम कितनी है आपकी? 15,000। कितने साल से काम कर रहे हैं? 25 साल। और इनकम कितनी आ रही है? 15,000। अब मुझे बताइए कि ये ज्यादा दर्दनायक है या दिक्कत वाला है, इसमें ज्यादा टाइम लगा, या 18 साल नेटवर्क बिजनेस करने के बाद आज 1,20,000 रुपए महीना आ रहा है, कौन सा बढ़िया है? लेकिन हमारा फोकस यहां नहीं रहता, हमारा फोकस यहां रहता है। समझ में आ रही है? दूसरी चीज ये है, क्या नाम बताया था आपने? तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी इन 25 सालों में तिवारी जी को एक भरोसा और हो चुका है। और वो भरोसा पता है क्या है? कि अब मैं जिंदगी में कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता, ये पक्का हो गया है।
और तिवारी जी की दुनिया 15,000 ही है बस। तिवारी जी के सपने बहुत बड़े होंगे, अभी जॉब छूटा भी है उनका, छूट भी गया है, रिस्क भी है, छूट गया है जॉब, जॉब भी सिलसिले में गया है। तिवारी जी ने भी सपने देखे होंगे कि मेरी एक फैमिली हो, एक परिवार हो। फैमिली में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं माँ बाप, अपनी फैमिली तो मान लेते हैं। फैमिली में सबसे पहले कौन है? माँ बाप। हमारा सबसे पहले कर्तव्य है जीवन में किसके प्रति बनता है? अपने माता पिता के प्रति बनता है। लेकिन मैं, मेरी रिश्तेदारी में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं आज की डेट में, ना माँ बाप की केयर नहीं कर रहे हैं जी। तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे को ड्रेस बनाने के लिए वो 5-7 हज़ार रुपए यूं चुटकियों में खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी माँ की साड़ी के लिए 500 रुपए नहीं निकलते। हम सबको जन्म किसने दिया? हम सब इस दुनिया में किसकी वजह से आए? तो सबसे पहले फैमिली में हमारे माँ बाप है। तो तिवारी जी के सपने होंगे भाई, सबके सपने होंगे आपके भी, कि माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाए। अपने दिन पे हाथ रख के बताना आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे रहा है। चलिए, एक ने हाथ खड़ा किया, ताली बजा दो। अच्छा, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, फिर वाइफ आ गई और बच्चे आ गए, भाई बहनों को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, जबकि उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब तिवारी जी माँ बाप के बारे में भी अच्छा सोचना चाहते हैं, बच्चों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा मकान हो, अच्छा सब कुछ हो, बैंक बैलेंस हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। सारे सपने हैं तिवारी जी अपने या नहीं है? ये सारे सपने तिवारी जी के हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे के सारे सपने, एक अपना खुद का मकान, एक अच्छी सी गाड़ी, ठीक है, बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, क्या ये सारे 15,000 रुपए में हो सकता है? तो इसका मतलब तिवारी जी को क्या करना पड़ेगा? तिवारी जी को अपने सारे सपनों को तोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, खत्म। तिवारी जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई 15,000 से ज्यादा मैं कमा नहीं सकता हूँ। तो ऐसे में इंसान क्या करता है, तिवारी जी जैसे लोग या हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को छोटा करना शुरू करते हैं। और इस इतने टाइम से जो ये काम कर रहे हैं, जहां पे 15,000 बहुत मुश्किल से आ रहा है, सबने बताया जॉब भी छूट गई है, और ऐसे में अगर तिवारी जी को कोई इस कमरे में लेके आया है और वो ये बताना चाह रहा है कि तिवारी जी आपको 1.5 लाख रुपए महीना भी आ सकता है, तो क्या भरोसा होगा? नहीं, लेकिन नहीं है। सबसे पहला तो कारण यही होता है कि इस टाइप की मीटिंग में बहुत लोग आते हैं और वो इसी अविश्वास के साथ चले जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, अपने को तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंसान बेचारा 15,000 बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है। अब यहां पे एक सवाल आता है, एक सवाल अपने आप से पूछिए आज आप सब लोग। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक है रिच अमीर और दूसरे हैं पुअर यानी गरीब। आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गरीब में, गरीब है सारे यहाँ पे, अमीर तो कोई नहीं बैठा, भाई अमीर भी तो उसको बोलते हैं, इसको पैसे की टेंशन ना हो। भाई डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे कम से कम एक बात से अमीरी का पता लगा, कि कम से कम मैंने सोचा यार वहां तक तो पहुंचे। और वो क्या था, किसी लीडर ने बताया था, मैं भी आपकी तरह मीटिंग में बैठा हुआ था, तो किसी लीडर ने बताया था कि जीवन में पैसे की समृद्धि किसको बोलते हैं, उससे थोड़ा बहुत अपने आप को कुछ मानो। जब आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो और शॉपिंग करते समय आपको जो चीज पसंद आ रही है उसका प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े कि ये कितने का है, और आप सामने वाले को पसंद आ गई चीज और आपने कह दिया भाई पैक कर दे, इसको बोलते हैं अमीरी। और गरीबी किसको बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं कि आप शर्ट लेने के लिए गए तो घर से बजट बन जाता है हमारा कि 300 से 500 के बीच में ही शर्ट लेनी है, और शोरूम पे गलती से आप चले गए तो शोरूम वाले ने बहुत बढ़िया शर्ट आपके सामने रख दी जिसका प्राइस 800 रुपए है, तो आप में से कौन लेगा? कोई नहीं लेता। शर्ट पसंद आ रही है, कपड़ा पसंद आ रहा है, कलर पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, सब कुछ पसंद आ रही है, लेकिन हम शर्ट को छोड़िए। रीजन क्या है? पैसा, क्योंकि आपका बजट ही 300 से 500 रुपए, और कई लोग तो पूरी जिंदगी निकाल देती है 300 से ऊपर की शर्ट नहीं पहनते, जबकि उसी शोरूम के अंदर 500 की भी शर्ट है, और ऐसे ऐसे शोरूम है जहां पे 10-10, 15-15 हजार रुपए की भी शर्ट है। और अभी मैंने तो पता नहीं एक वेबसाइट देखी जहां पे 1.5 लाख रुपए की शर्ट है, 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए की तो टी शर्ट मिलती है।
वो भी इंसान है जो उनको खरीदते हैं और हम भी इंसान हैं, तो हम क्या है जी? एक सवाल आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं। पहला सवाल कि आप गरीब क्यों हैं, बताइए जरा। अमीर बनना चाहते हैं सब लोग, लेकिन अमीर तब बनेंगे जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगी, गरीब क्यों है। माइंडसेट, सोच है गरीबी, सोच, माइंडसेट। और ये तो हमने पिछली मीटिंग में डिस्कशन किया था कि सोच को अमीर बनाओगे तो अपने आप अमीर होते चले जाओगे। कुछ एक्सक्यूज होते हैं, कुछ बहाने होते हैं। जब आप किसी के पास वीकेंड जैसी अपॉर्चुनिटी लेके जाते हो या कोई काम लेके जाते हो तो सामने वाला कुछ बहाने बनाता है। मैंने चार पांच पॉइंट नोट किए हुए आपको बताता हूँ। सबसे पहला पता है क्या आता दिमाग में, कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ इसलिए मैं गरीब हूं। आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज को पकड़ के चल रहे होंगे पूरी जिंदगी से, बैकग्राउंड ठीक नहीं है कि भैया मेरे पिताजी गरीब थे, वो नौकरी करते थे, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया नहीं तो मैं भी गरीब हूं। अगर मेरे पिताजी अमीर होते, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बिजनेसमैन रहता है और उसके पिताजी बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उसका भी जन्म हुआ और आपका भी जन्म हुआ और एक ही कॉलोनी में आप रहते हैं, वो अच्छी जिंदगी जी रहे, आप बेकार जिंदगी जी रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे? गरीब। अपने पिताजी के ऊपर कि भाई तेरे पिताजी अमीर हैं इसलिए तू ऐसे ले रहा, भाई मेरे पिताजी गरीब हैं तो भाई मेरी जिंदगी। तो सबसे पहला जो हम लोग बहाना लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है इसलिए मैं अमीर नहीं। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, वैसे तो हजारों व्यक्तियों के मैं कहानी सुना सकता हूं, अब्दुल कलाम जी, स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के बहुत बड़े राष्ट्रपति बने, साइंटिस्ट बने और उसके बाद राष्ट्रपति बने देश के, सबसे सर्वोच्च जो सीट होती है उसके ऊपर जाके बैठ गए। क्या थे वो बचपन में? गरीब। एक मछुआरे के बेटे थे, यानी कि घर में खाना तब मिलेगा जब उनके पिताजी शाम को मछली पकड़ के लेके आएंगे। और यहां तक उनकी स्टोरी में बताया जाता है, जब दसवीं के उनको एग्जाम देने थे, फीस के पैसे नहीं थे, उनकी बहन ने जिनकी शादी हो चुकी थी अपने सोने के गंगन गिरवी रख के उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया था। एक ऐसा इंसान जो मछुआरे का बेटा होता है और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और उसके बाद राष्ट्रपति बनता है, क्या उससे ज्यादा गरीब कोई यहां बैठा हुआ है? नहीं सर। तो ये कोरा एक बहाना है। एक कोटेशन किसी किताब में पढ़ी है, पढ़ी हुई थी मैंने और आपने भी पढ़ी होगी, गरीब घर में पैदा होना गुना नहीं है, यस, लेकिन इंसान रूपी जीवन मिलने के बाद गरीब मर जाना ये गुना है। ये गुना है भाई। आपका मेरा जन्म कहां होगा ये तो हम नहीं तय कर सकते ना, बिल गेट्स किसके घर में होगा ये हम तय नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, हम बिल गेट्स के घर में पैदा नहीं हो सकते लेकिन बिल गेट्स बन सकते हैं, ये हमारे हाथ में। तो पहला बहाना क्या अपनी जिंदगी से निकालना है, कि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है ये बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये आप सोचते हैं तो इसको निकाल के बाहर फेंकते। दूसरा क्या आता है, कई लोग बोलते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं ज्यादा पैसा कमा नहीं सकता हूं, क्योंकि इनकम तो पढ़े लिखे की आती है। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसमें से एक नाम मैं बता देता हूं आपको, धीरू भाई अंबानी। जब वो दुनिया छोड़ के गए तो 10,000 करोड़ की संपत्ति थी उनकी। कितने पढ़े लिखे थे? 10th pass only। और वो 10वीं pass जो व्यक्ति था, पास थे फेल थे वो अलग बात है, जो 10वीं तक ही जिन्होंने पढ़ाई की उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग नौकरी करते थे। तो ये भी एक एक्सक्यूज है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। इसको भी दिमाग से निकाल के सचिन तेंदुलकर, और आज बताया जाता है कि महाराष्ट्र के स्कूल में जो बुक्स है उसके अंदर सचिन तेंदुलकर के बारे में एक चैप्टर है पूरा, जो खुद 10वीं ही पढ़ा हुआ उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये धारणा भी आपने बना रखी है कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो इसको भी निकाल के बाहर फेंक। अभी बीना शर्मा जी से आप मिले, 1,20,000 का पे आउट आ रहा है। एजुकेशन क्या है आपकी? 12th। तो पैसे से एजुकेशन का कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, देखिए धन्ना सेठ है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल किया, एजुकेशन कुछ नहीं होंगे, उन्होंने डॉक्टरी नहीं की हुई है लेकिन उनके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर काम कर रहे हैं। तीसरा एक्सक्यूज भी आ जाता है सामने कि मेरे पास कुछ बड़ा करने के लिए पैसे नहीं है जी, मैं बड़ा आदमी तो बन सकता हूं लेकिन पैसे हो तो मैं बन सकता हूं।
बड़ा कर सकता हूँ। निर्मा कंपनी का नाम सुना है? निर्मा कंपनी के जो मालिक हैं एक साधारण सी जॉब किया करते थे सरकारी, कोई संसाधन नहीं था उनके, ड्रीम बड़े थे, सपने बड़े थे। उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर वॉशिंग पाउडर बनाने का फॉर्मूला सीखा और घर में वॉशिंग पाउडर बनाते थे लोग। और जब नौकरी से छुट्टी हो जाती थी साइकिल पे वॉशिंग पाउडर रख के थैली में और घर घर जाके बेचते थे। करसन भाई पटेल, और लोगों को देते थे। जब साबुन की टिक्की आती थी तब उन्होंने हिंदुस्तान लीवर के सामने छोटा सा अपना काम शुरू किया। कोई नहीं जानता था कौन करसन भाई पटेल है, क्या निर्मा है, नाम रख दिया निर्मा। और साइकिल से जाके घर घर बेचते थे, लोगों को पसंद आया, व्यवहार बहुत अच्छा था। किसी को पसंद नहीं आता था तो मनी बैक गारंटी भी दे देते थे कि बहन जी आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, वापिस कर दो, पैसे दे दो। विश्वास बढ़ता चला गया। आज निर्मा कितनी बड़ी कंपनी था, तो उनके पास कोई लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं थे, लेकिन आज हजारों करोड़ की कंपनी निर्मा बन चुकी है। उसके बाद एक एक्सक्यूज और आती है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है जी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि मेरी उम्र ज्यादा, मैं 50 के आसपास होने जा रहा हूं। गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट कब होती है? 60 साल। अभी ऊपर किसी की रिटायरमेंट हुई है सर, हमें तो ऐसा लग रहा है 50 साल में हमने अपना जीवन शुरू किया है, हमने अपना काम शुरू किया, ये सोच आ रही है अंदर से हमारे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि जी मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई सर, अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहा वो इंसान। एक 60 साल के व्यक्ति को जब ऊपर हमारे बैंक है तो ये बैंक वाले में अभी 4-5 दिन पहले नीचे तनात वनात लगनी शुरू हुई, कुर्सियां डलनी शुरू हुई। हमने कहा हो सकता है कोई पार्टी हो, फिर ढोल वोल बजना शुरू हुआ, हम समझ गए भाई कोई रिटायरमेंट है। तो बैंक से कोई मैनेजर है ऊपर के, वो रिटायर हुए और खूब ढोल नगाड़े के साथ उनकी रिटायरमेंट हो गई है। अब वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए। अब वो 60 साल की उम्र में अगर कहीं नौकरी ढूंढने जाएंगे, नौकरी लेने जाएंगे, कोई नौकरी देगा नहीं सर। क्यों? उम्र हो गई, क्योंकि वो कहते हैं नहीं भाई हमें यंग ब्लड चाहिए आज की डेट में। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसके हाथ पैर कहां पर उसको दिखाई नहीं देता हो, एक्सपीरियंस कितना भी हो। कोई भी आदमी किसी ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहता जो उसके लिए दिक्कत बने। तो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं वो इंसान कि भैया हमारे पास, हमारी तो उम्र ज्यादा हो गई, अब हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिलेगा, हम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन खुद का काम, खुद का व्यापार अगर आप शुरू करते हैं उसमें उम्र भी बाधा नहीं है। अब्राहम लिंकन के बारे में बताया जाता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 80 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। KFC चिकन आपने देखा होगा, मतलब जिंदगी, पूरी जिंदगी निकलने के बाद उस आदमी ने एक रेसिपी से अपना शुरू किया, छोटी सी रेसिपी किसी रेस्टोरेंट में जाके दिखाई और आज पूरी दुनिया के अंदर उनके रेस्टोरेंट है। तो यह भी एक कोरा बहाना है कि आपके पास पैसे नहीं है, बगैर पैसे के भी व्यापार किया जा सकता है। लेकिन आज तक किसी ने, किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया, ना माँ बाप ने सिखाया, ना रिश्तेदार ने सिखाया, ना पड़ोसी ने सिखाया। हम एक ही चीज सीखते आए हैं, गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब में ही, नौकरी करने वाले का बेटा नौकरी ही करेगा। जितनी चाल रहे बेटा उतने ही पैर पसारो, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं। और ये इतना दिमाग में भर दिया गया है कि हमारे अंदर से आवाज ही नहीं आती कभी भी कि मैं कामयाब हो सकता हूं। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं, जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई साहब अमीर तो मैं भी बन सकता हूं लेकिन मुझे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला। तो ऐसे आदमियों को, अगर आप भी उनमें से हैं, तो ऐसे आदमियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि आज तक मुझे जिंदगी में मौका नहीं मिला, तो वीकेंड आपके लिए एक मौका है। नहीं मिला ना मौका, हम दे रहे ना मौका। कितना पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कुछ भी नहीं भाई साहब, जीरो इन्वेस्टमेंट। पैसा तो लगाना ही नहीं है, पैसा लगाना किसको बोलते हैं? जो लाख 10 लाख रुपए लगा दिया, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगा रहे हो तो पैसा लगे ना। आपने कितना दिया कंपनी को? 1600 में कंपनी क्या दे रही है आपको? E30 प्लस और एक पेस्ट। ये क्या करता है? हेल्थ के लिए। और पेस्ट क्या करता है? दांत को ठीक करता है। क्या मिलता है 1600 में? तो अच्छी अच्छी हेल्थ। ये सबसे बड़ी गलती आपकी,
1600 में E30 पेस्ट यानी अच्छी हेल्थ और पेस्ट तो मिलता है, लेकिन 1600 में साथ में आपको अपनी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है जो दिखाई नहीं दे रहा बिजनेस में। जिसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है उसको सिर्फ ये मिल रहा है, जिसको इसके पीछे छुपा हुआ व्यापार दिखाई दे रहा है, इनकम दिखाई दे रही है वो इनकम दे रहा है। तो ये गलत फहमी है कि 1600 में हम E30 और पेस्ट दे रहे हैं। 1600 में एक आपको सिस्टम मिला है जो आपको अमीर बना सकता है, वरना ये प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, डाबर के भी मिलते हैं, वैद्यनाथ के भी मिलते हैं, बाबा रामदेव के भी मिलते हैं। आप वीकेंड का ही क्यों ले रहे हो भाई, वीकेंड का ही पेस्ट क्यों ले रहे हो, वीकेंड का E30 क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसके साथ आपको अपनी जिंदगी बदलने वाला एक सिस्टम मिल रहा है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। बात समझ में आ रही है? यस। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी इंसान गरीब इसलिए है, केवल और केवल गरीब इसलिए है क्योंकि वो काम वही कर रहा है जो उसको गरीब बना के रखेगा। एक गरीब इंसान गरीब क्यों है? क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो उसको गरीब ही बने रहने दे सकता है, अमीर बन ही नहीं सकते आप। अब मैं पूछना चाहता हूं कि तिवारी जी, ये जो गार्ड की नौकरी है इसको छोड़े ही ना कभी भी, क्या ये जिंदगी में कभी अमीर बन सकते हैं? नहीं। तिवारी जी को अगर अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नौकरी छोड़ना पड़ेगा। नौकरी छोड़ना नहीं पड़ेगा, नौकरी के साथ साथ जैसे करसन भाई पटेल ने एक व्यापार शुरू किया, ऐसे ही तिवारी जी को नौकरी के साथ साथ एक व्यापार शुरू करना पड़ेगा, तब इनकम आएगी। अच्छा, ये बात मैं तिवारी जी के लिए बोल रहा हूँ या आप सबके लिए भी बोल रहा हूँ? तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? सिंपल, एक किताब में एक लाइन लिखी थी कि वही, अगर आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ ऐसा पाना जो आज तक नहीं मिला, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, और वही काम है नेटवर्क बिजनेस, और वही काम है वीडियो। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें इंडस्ट्री में खूब सारी कंपनी है, अभी कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, अभी अंदर मैं पोस्ट देख रहा था, जब हमारे साथ थे तो वीकेंड सबसे बढ़िया था, वीकेंड का प्लान सबसे बढ़िया था। अब पोस्ट में देख रहा हूं तो कह रहे हैं ऐसी किसी कंपनी में काम मत करना जहां पे बिजनेस वॉल्यूम का 50% बढ़ता हो, एमआरपी डीपी का 50% बढ़ता हो, या बिजनेस वॉल्यूम का। ऐसी कंपनी में काम कीजिए जहां पे डीपी का 100% या 50% बढ़ता हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे, क्या बना सकता है भाई वीकेंड, आपको क्या कर सकता है? अब तिवारी जी की बात कर लेते हैं, अदरवाइज मत लेना तिवारी जी कि कहीं कि मेरे पीछे पड़ गया, आपके माध्यम से सबको समझा रहा हूं, ठीक है? तिवारी जी 15,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। तिवारी जी, कभी आपने सोचा है कि आपकी एक घंटे की कीमत क्या है? 15,000 तो हमें दिखाई देता, महीने के 15,000 मिलते हैं, और उस आदमी के सामने जब आप बताते हो ना जो 10,000 कमा रहा है, तिवारी जी का कोई दोस्त होगा जो 10,000 कमाता होगा तो तिवारी जी उनके सामने कहते होंगे अच्छा 10,000 कमाता है, 15 कमाता हूँ भाई, लेकिन जब तिवारी जी के सामने कोई 25 वाला आता होगा तो फिर टेंशन हो जाती है। 15,000 जब महीने में आता है ना तो एक अच्छी खासी रकम होती है, गरीब परिवार का 15,000 रुपए ड्रीम होता है, उसका पूरा परिवार पलता है उससे। मैं भी इस स्थिति से निकल चुका हूं, लेकिन आज मेरे बच्चे का 15,000 रुपए खर्च कर देते हैं मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज समझ में आई थी कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि पैसा खर्च करते समय आपको सोचना ना पड़े, तब आप अमीर हो। तिवारी जी की एक घंटे की कीमत निकालते हैं, फिर तिवारी जी को पता लगे घंटे में कितना पैसा तिवारी जी कमा रहे हैं। 15,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो एक दिन की इनकम कितनी होगी सर? 500 रुपए। 8 घंटे तो काम करते होंगे तिवारी जी, 500 को 8 से डिवाइड करें तो कितना हुआ? 61। तिवारी जी के घंटे की कीमत है 61 रुपया। तिवारी जी घंटे में कितना पैसा कमाते हो आप? 61 रुपये। ये 61 रुपये का जो घंटा है ना, अगर इसी काम को करते रहे ये कभी 600 नहीं होगा, क्योंकि नौकरी में तो ना खून चूसा जाता है। और ये गारंटी है, अगर कोई 10,000 दे रहा है ना आपको तनखा, तो दोस्त काम 1,00,000 का लेता है, ये बहुत पहले मैं समझ चुका था जॉब के अंदर। अभी किसी का मैं इंटरव्यू दे रहा था, देख रहा था, जो मैंने तुमसे भी डिस्कस कर रहा था, उस व्यक्ति से पूछा जो सक्सेसफुल इंसान है, वो कहता है जी मैं किसी को भी जॉब देता हूं ना तो एक ही बार बोलता हूं कि तू पैसा मांग कितना मांगना है। तो और जगह क्या होता है,
आप जो मांगते हो वहां तनख्वाह नहीं मिलती है। वो कहता है मेरे पास जो भी आता है ना, मैं सामने वाले से पूछता हूँ तू कितनी तनख्वाह चाहता हो बता, जो तू कहेगा मैं दूंगा, लेकिन शर्त एक है, एक चीज के लिए तैयार रही हो। अगर 1 लाख मांग रहे हैं ना तो काम 10 लाख करूंगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। तो यही नौकरी का फंडा है। हम बड़े खुश होते हैं मालिक 10,000 दे रहा है, लेकिन भैया काम तो आपसे 1 लाख का ले रहा है। अब आप कहां टक गए? अच्छा 10,000 रुपए दे रहा हूं, काम 1 लाख का ले रहा है, तो गड़बड़े। जब मैं इस स्थिति में था मुझे भी समझ में आया, मैं अपने मालिक को ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया मैंने, तो काम ही नहीं कर पाओगे। आपको सोचना क्या है? सोचना पता क्या है कि कोई आदमी आपको 10,000 दे रहा है, आपसे काम 1 लाख रुपए का ले रहा है, इसका मतलब उसने क्लियर कर दिया कि आपके अंदर 1 लाख रुपए कमाने की क्षमता है। उसको मालूम है लेकिन आपको नहीं मालूम है, आप नहीं समझ पा रहे हो उसको। और आप जितने लोग नौकरी करते हो समझ लो जितना आपको तनख्वाह मिलती है उसका 5 गुना 10 गुना अपने बॉस को कमा के दे रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब यहां मैं लिखता हूं विनय शर्मा जी, पिछले महीने का चेक 1,20,000, पर डे की इनकम कितनी हो गई? पर डे की इनकम 4,000। और 1 घंटे की कीमत कितनी हो गई? क्वालिटी किसकी है, विनय शर्मा जी की या वीकेंड की? क्वालिटी किसकी है? वीकेंड। सिस्टम सिस्टम विनय शर्मा जी की क्वालिटी है, 500 रुपए घंटा कमाना है या वीकेंड की है? पास में आ रही सर। अगर सेम काम अगर तिवारी जी करने लग जाए 6 महीने 8 महीने 1 साल मेहनत करने के बाद, जितनी बड़ी टीम इनकी है उतनी बड़ी टीम अगर तिवारी जी की हो जाए तो तिवारी जी तो वही है, तिवारी जी के घंटे की कीमत बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? जब आप अपना काम चेंज करोगे तब आपकी जिंदगी चेंज हो जाए। क्लियर है सबका? क्लियर है। वो काम क्या है? या नेटवर्क बिजनेस में कोई भी कंपनी आप कर सकते हैं। वीकेंड क्यों करें उसमें बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगा। हाँ 2-3 चीजों से मैं जरूर समझाऊंगा, वैसे तो हरबीर जी ने आपको सारी चीजें समझाई दी हैं, है ना, लेकिन 2-3 चीजें मैं जरूर बताऊंगा। 100% ईमानदार कंपनी है सर, 100% ईमानदार कंपनी। वीकेंड में अगर आप काम कर रहे हो तो एक चीज के लिए 100% एश्योरेंस मैं आपको देता हूं जो हमेशा बनी रहेगी कि वीकेंड की वजह से कभी भी आपको वीकेंड छोड़ना नहीं पड़ेगा। अपनी गलती की वजह से छोड़ दो, अपने मन से छोड़ दो तो भाई साहब सीधी सी बात है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वीकेंड कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े कि आप एक गलत कंपनी में। इससे बड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। करना क्या है? 2 काम करने, 3 कर लीजिए, सिंपल सा। लोग कहते हैं नेटवर्क बिजनेस क्या है जी, क्या करना है इसके अंदर, इसको हम बहुत टिपिकल बना देते हैं, इसको हम बहुत मुश्किल बना देते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार ये काम करना है। कुछ नहीं करना, जो आप अपनी जॉब कर रहे हो उस जॉब को करते रहो, क्योंकि निर्मा कंपनी का अगर 1,000 करोड़ कंपनी का मालिक बनना है तो साइड में कुछ तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहला काम वीकेंड को ज्वाइन करना है, ज्वाइन फ्री में होता है। आईडी एक्टिव कराने के लिए आपको एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है जिस प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव। ये प्रोडक्ट आपको लेना है, सीधी सी बात है, ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है? ये कितने का है? 1,600 रुपए प्लस इसमें हम आपको एक पेस्ट फ्री दे रहे हैं, हर महीने फ्री आपको पेस्ट मिल रहा है, 100 रुपए एमआरपी का पेस्ट आपको फ्री मिल जाता है, बाहर से खरीदने की आपको जरूरत नहीं। और ये प्रोडक्ट अगर आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, और शरीर में अगर कोई बीमारी है उसको बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। पैसे का फायदा कब है? जब आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अभी मैंने राकेश झुंझुनवाला का एक वीडियो देखा था जो आज दुनिया में नहीं है, आपने भी देखा होगा, कजरारे कजरारे गाना चल रहा था और वो अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और डांस कर रहे थे। सोच के देखिए 20,000 करोड़ का मालिक जिसके दोनों टांगों ने जवाब दे दिया, जो व्हील चेयर से उठ नहीं सकता, और एज कितनी थी? शायद 62 या 65 के बीच में वो इंसान क्या छोड़ के चला गया जिसके पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है, अपने पैरों पर खड़े होकर नाच नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमाने पर तो ध्यान दिया लेकिन सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वो पैसा फिर बेकार हो जाता आपके लिए जिसका एंजॉय आप कोई और ले रहा है। पास में आ रही सर। तो पहला धन क्या है? स्वास्थ्य, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और कोरोना में हम सब समझ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग
ऐसे हैं यहाँ बैठे हो जिनको जिनको कोरोना हुआ होगा, अंदर आया और चला गया आपको पता भी नहीं चला, क्यों? क्योंकि आपने अच्छा कभी खाया होगा, आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा। ये कहा जाता है कि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति को कोरोना हुआ है, लेकिन कुछ लोग कैसे थे जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और बाकी लोग कैसे हैं जिनको कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कुछ हुआ ही नहीं होने के बाद भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हुआ और ठीक हो गए। सारा खेल किसका था? हमारे पास है बिल्कुल सारा खेल किसका था? इम्यूनिटी पावर का। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बच गया, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी वो दुनिया छोड़ के चला गया। तो अगर अपने आप को स्वास्थ्य को सही रखना है तो क्या रखना है? अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। और कोरोना जैसी अगर दूसरी बीमारी आ गई ना सर, संकेत देखी गई है बहुत बड़ा कि अपने आप को भैया रिच बना लो, अपनी सेहत को अच्छा कर लो, दोबारा अगर ऐसा आ गया तो क्या गलतियां की थी वो दोबारा ना हो। तो ये प्रोडक्ट अगर खाएंगे तो फुल्ली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखेगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। ₹50 रोज की डोज है सर। इतने ही लोग बीड़ी पी जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, चाय पी जाते हैं, बर्गर पिज्जा खा जाते हैं, मोमोज खा जाते हैं जो शरीर को खराब करते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पता लगा जी पूरी जिंदगी में 15,000-20,000 की नौकरी कर रहा हूँ और बुढ़ापे में बच्चा हुआ 25 साल का, वो बेचारा नौकरी कर रहा है, उसकी नई नई शादी हुई है, उसकी जिंदगी शुरू हुई है, अब वो अपनी जिंदगी तो बेचारा जैसे तैसे जी रहा है, पता लगा जी पिताजी हो गए जी बीमार, अब उसका एक पैर तो हॉस्पिटल में रहता है, एक पैर बेचारे का जॉब में रहता है। क्या वो जिंदगी हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं क्या? तो कम से कम हेल्थ का तो ख्याल रखे ना। तो हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा आपका? E30 ₹50 रोज अपने ऊपर खर्च कर। इसलिए करना है क्योंकि डॉक्टर को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब क्या इमरजेंसी हो जाए पता नहीं। क्लियर है सर? ये प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं? ये प्रोडक्ट फरीदाबाद में बनता है, इंडिया में फरीदाबाद में बनता है। दूसरा ये काम अगर आपने कर दिया, दूसरा क्या है, यहां पर बनानी पड़ती है टीम। ये प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हुई मान लीजिए, आपको फर्क दिखाई दिया 10-15-20 दिन के अंदर बॉडी के अंदर, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी एनर्जी कैसी लग रही है आपको? जबरदस्त सर। मेरे घर अभी फोन करके पूछो आप कि सर घर सवेरे क्या खा के निकले थे? मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ थोड़ा सा पपीता खाया था सुबह सुबह उठते ही, ना चाय पिया ना दूध पिया, एक गुनगुना गिलास पानी का और थोड़ा सा पपीता खाकर, और 2 कैप्सूल खाए थे मैंने, और मेरी एनर्जी कैसी नजर आ रही है आपको? जबरदस्त। और शाम तक मेरे साथ रहना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे, मैं परेशान नहीं हूंगा, क्योंकि कैप्सूल बॉडी में काम करता है। और हम ये भी नहीं कह रहे 25 कैप्सूल लो हाथ में खाओ, हम तो 2 ही बोल रहे हैं आपको, एक सुबह एक शाम को, वो भी नहीं कर सकते थे भैया बेकार है। अब ये मेरे ऊपर अच्छा कर रहा है तो मुझे क्या करना है? लोगों को बताना है। किनको बताना है? लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को बताना है इसके बारे में। बता सकते हैं? यस। बता सकते हैं किस कारण से बताना है ये बता दीजिए। हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमारे कम। वेरी गुड, एक बार ताली बजा दीजिए। कौन सी ताली है? एक हेल्थ अच्छी रखने के लिए और उनको एक अच्छी इनकम देने के लिए। कई लोग बोलते हैं सर हमें शर्म आती है अपने रिश्तेदार को बोलते हुए। शर्म पता कब आनी चाहिए? शर्म जब आनी चाहिए जब आपके पास पैसे ना हो और आप अपने रिश्तेदार के पास जाएं और बोले सर मुझे ₹50,000 की जरूरत है। तो ये तो शर्म वाली बात है, इसमें तो शर्माओ कि यार पैसा मांगने आ गया। जब कुछ मांगने जाते हो तो शर्म आती है ना, लेकिन जब कुछ देने जाते हो तो, देने जाते हो तो शर्म थोड़ी आती है। आप मिठाई का डब्बा किसी को देने जाते हो शर्म थोड़ी आती है? किसी को पैसा देने दे रहे हो आप, शर्म थोड़ी आएगी? ले रहे हो तो शर्म आएगी। तो शर्माना कहा चाहिए जब आप कुछ उसको उसे लेने जा रहे हो। हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसको देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? 2 चीजें, एक उसको अच्छी सेहत देने जा रहे हैं और दूसरा उसको एक अच्छी आमदनी देने जा रहे हैं, उसको अच्छा एक व्यापार बताने जा रहे हैं, एक सिस्टम बताने जा रहे हैं। तो प्राउड मोमेंट होना चाहिए ना, प्राउड होना चाहिए ना। तो जो प्राउड करता है वो बताता है, जो शर्म करता है संकोच करता है वो नहीं बता पाता। तो ये फीलिंग भी आपके अंदर आनी चाहिए कि इससे लोगों की जिंदगी। अभी हमारा प्रोग्राम था जिम कॉर्बेट के अंदर, कई लोग ऐसे मिले सर आप हमारे लिए भगवान हो, मुझे बोल रहे हैं आप हमारे लिए भगवान हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने प्रोडक्ट बनाया ना, मैं डॉक्टर हूं ना मैं इंजीनियर हूं। सर हमारी सेहत अच्छी हो गई सर, हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, हमने सिर्फ एक काम किया, हमने प्रोडक्ट को ईमानदारी से बनवाया
उसने ईमानदारी से खाया, प्रोडक्ट में काम किया, तो क्यों हमें भगवान बोल रहा है, क्यों हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, क्यों हमें इतना सम्मान दे रहा है? क्योंकि उसको मालूम है जहां से वो अपना इलाज करा रहा था वहां हजारों रुपए लाखों रुपए देने के बाद भी उसकी वो चीज ठीक नहीं हुई, उस प्रोडक्ट ने ठीक कर दी। इसको तो आप महसूस करते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग, भाई आपने प्रोडक्ट खाया, आपको खुद के ऊपर क्या रिजल्ट मिला? बहुत सारे रिजल्ट मिला। एक बता दीजिए बस खाली। सबसे पहले तो डाइजेशन का, डाइजेशन ठीक हो गया और एनर्जेटिक रहता हूँ, यंग दिखने लगा। कमलेश जी, प्रोडक्ट से क्या क्या रिजल्ट मिले आपको? मेरा भी ये डाइजेशन का जो प्रॉब्लम था वो तो खत्म हो गया, अच्छा नींद आता है बढ़िया, और बाकी एनर्जेटिक रहता हूँ दिन भर। और बहुत सारे लोगों को भी दिया, जिन लोगों को दिया उनको क्या क्या रिजल्ट आए? ये थायराइड का पेशेंट को मैंने दिया, थायराइड ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। शुगर का पेशेंट को भी दिया, उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, ठीक है। और दूसरी बात है, एक और एक जिसका साइटिका का प्रॉब्लम था एक तरफ का, उसको भी मैंने 3 डब्बा लिया, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। देख रहे हैं आपके सामने आपको क्या रिजल्ट मिले सर? एक तो एनर्जी बनी सुबह से शाम तक, और एक मेरे को कोई बीमारी नहीं आज, वरना मेरी एज की लेडी किसी को सर्वाइकल, थायराइड, बीपी कुछ भी रहता है, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। मैं बस 2 कैप्सूल सुबह लेती हूँ, शाम के फिर भी मेरे छूट जाते हैं, लेकिन सुबह का बगैर नागा की लेती हूँ, डेली लेती हूँ। गरीबी की बीमारी भी खत्म हो गई। वो तो बहुत हस्बैंड जो है ग्रेजुएट है, 25,000 रूपए की जॉब करते हैं, इनका बेटा ग्रेजुएट भी है, साथ में फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी हुई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स भी किए हुए हैं, उसके बाद 35,000 रुपए मिलते हैं। 35,000 बेटा कमाता है, 25,000 हस्बैंड कमाते हैं, दोनों को अगर बेटा अंदर है रूम में, घर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस टाइम उसकी जॉब होती है उस टाइम कमरे में कोई घुस नहीं सकता, 100% कंप्यूटर के सामने लाइव उसको दिखना है, और हस्बैंड सुबह ले जाते हैं और शाम को आते हैं। 35 और 25 कितने हुए? 60,000 रुपए दोनों मिलके कमाते हैं, इनका अकेले का चेक 1,20,000 रुपए का है। पास समझ आ रही है सर? टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत की आएगा नहीं। हाँ जी मुकेश जी, प्रोडक्ट का क्या फायदा हुआ? सर स्किन प्रॉब्लम था वो सही हुआ। हाँ, और अभी अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि पहले पहले नींद जब सुबह खुलती तो आंख में दर्द रहता था कई बार, उसके बाद सिर में दर्द होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से 3 महीने से बिल्कुल गायब हो चुका है, पूरा दिन भर एनर्जी। स्किन में क्या प्रॉब्लम थी अभी? स्किन में तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेड रेड हो चुका है, एक्जिमा टाइप हो जाता है। हाँ, और अभी भी वो 10% है, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है, लेकिन अगर मैं पहले की फोटो दिखाऊंगा तो बेड रेड पे था, वो सब खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी आपको क्या फायदा मिला? गैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, और पिछले 2 साल के अंदर कोरोना रहा, 6 गाड़ी में से 5 चली गई, तो डिप्रेशन आ गया, और पैसे का देनदारी होता तो टेंशन घना होता। अब जब से E30 को यूज कर रहा हूँ पिछले 8 महीने से, कोई टेंशन नहीं सर, एकदम नींद मस्त आती है। 25,000 रुपए भी आने शुरू हो गए साइड। हाँ सर, पिछले 3 महीने के 80,000 रुपए आए 3 महीने में। तो अभी क्या उम्मीद है कि अगले 6-8 महीने में, 1 साल में कहाँ तक इनकम पहुंचेगी? सर कंपनी की सालगिरह तक 1.5 लाख, और अगले साल तक यही 1.5 लाख रुपए पड़े। देखो ये विश्वास होता है और आता है, आ रहा है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, हो सकता है आप अभी 1.5 लाख तक ना पहुंचे एनिवर्सरी तक, 50,000 तक तो पहुंचेंगे, क्या दिक्कत है उसके अंदर? जी उत्पल जी, क्या प्रोडक्ट को खाके क्या रिजल्ट आया आपको, या किसी को देखे क्या रिजल्ट आया? पहली तो ये बैठो करके, मेरा 10 साल से गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा, तो गैस एसिडिटी मेरा ठीक हो गया पूरा, और सांस का प्रॉब्लम था, सांस नहीं ले पा रहा था, वो पूरा एकदम ठीक हो गया, और मेरा डिप्रेशन भी था, डिप्रेशन पूरा ठीक हो गया, रात को सो नहीं पता था, अब तो ठीक ठाक से सो रहा हूँ। अच्छा एक बार बताओ, ये बात बोले कि मैंने आपको कितने पैसे दिए हैं? अभी कई लोग बोल रहे हैं तो पैसे देते हैं, पैसे देके इनके आदमी बैठे होंगे, है ना? तो अभी को बताइए, ये प्रोडक्ट किसी की गैस ठीक कर रहा है, किसी का थायराइड ठीक कर रहा है? सर बैठे हैं, सर ने पेस्ट लिया था, मैं ऐसे दिया था सर को, मैंने यूज करके देखना, कल सर का फोन है, सर खुद बताएंगे कि क्यों। सर क्या क्या कैसा लगा पेस्ट? मतलब क्या था आपको प्रॉब्लम, क्या थी? मीठा खाते थे, दर्द होता था, ठंडा गर्म पानी लग रहा है, मीठे से? ठंडा गर्म नहीं लगता, मीठे से, मीठे मीठे ऐसे खाते थे वैसे दांतों में दर्द। कितने टाइम यूज किया हमारा पेस्ट सर? अभी तो वन एक ही किया, वन वीक किया, और ये हम फ्री में दे रहे हैं साहब, पास में आ रही है, ठीक है। तो इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ठीक हुई है, तो सबसे पहली चीज आपको एक विश्वास आना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लेके किसी के घर में जा रहे हैं वो प्रोडक्ट काम करता है, ठीक है।
अब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोस कहीं भी चले जाओ, हर घर में बीमार बैठा नहीं बैठा, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका व्यापार हर घर में पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। लेकिन व्यापार पहुंचाने के लिए सबसे पहले किसको उसके घर पहुंचना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है, टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के वीकेंड के बारे में आपको अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को बताना है। कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं सर। बताओगे तो दो बातें होंगी, और ना बताओगे तो एक बात 100% होगी, लॉस। बताओगे तो दो बातें होंगी, तीसरी नहीं होगी, और नहीं बताओगे तो 100% होगी। अगर आप बताओगे तो या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, और नहीं बताओगे तो 100% ना बोलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। तो कौन से वाले उसमें ऑप्शन में जाना चाहिए हमें? पहले वाले में 50-50 तो आ सकता है ना। तो जो मैं स्टार्टअप का देख रहा था, उस एक सक्सेसफुल इंसान को, उसने बताया, उसने खुद बोला कि मेरी लाइफ का एक फंडा है कि अगर मैं कोई नए स्टार्टअप करता हूँ 10, तो मेरा माइंडसेट पहले से ही क्लियर है, 10 में से 9 स्टार्टअप तो खत्म हो जाएंगे, उसके लिए मेरा माइंडसेट तैयार है। तो क्या करना है, टीम बनानी है, टीम से ही पैसा आएगा। टीम कब बनेगी? जब आप लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बना के वीकेंड का मार्केटिंग प्लान उनको दिखाएंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, पहले दिन बता रहा हूं, जब अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को आप इसके बारे में बताएंगे, पहले ही बता रहा हूं, कुछ लोग क्या कहेंगे, नहीं करना, और कुछ लोग क्या कहेंगे, करना है। तो ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, तो इसकी तो टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। हमारा फोकस किसकी तरफ होना चाहिए? जो यस कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आता है, अगर 10 लोगों को आप बताते हो, 8 मना करते हैं, 2 आते हैं, तो हमारा फोकस 2 पे होना चाहिए। तो मेरा क्लियर था, 10 को बताना है, 2 अपने आप आ जाएंगे। क्लियर है सर? तो पहला ज्वाइन करना है, E30 को रेगुलर इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपका जो रिश्तेदार हो, जो दोस्त हो, जो पड़ोसी हो, कोई भी आपकी जानकारी में आए, उसको वीकेंड के बारे में बताना है। ये अपनी आदत में डाल दीजिए, अगर सक्सेसफुल होना है तो। क्लियर है? yes, शर्म मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, हम शर्म में मर रहे हैं, संकोच में मर रहे हैं, बता ही नहीं रहे अपने बिजनेस के बारे में। एक छोटी सी दुकान भी खुलती है ना सर, आपने देखा होगा, एक छोटी सी कोई दुकान भी खोलता है ना, परचून की, या छोटी सी कपड़े की दुकान खोलता है, तो क्या करता है सर? पर्चे बटवाता सर, विजिटिंग कार्ड छपवाता आपने, जो भी मिलता उसको विजिटिंग कार्ड देता, भाई सब मेरा ये काम है। जिस दिन ओपनिंग होती है उस दिन क्या करता है? भंडारा करता है, एक बैनर बोर्ड बनवाता है खूब शानदार, उसमें भी 2,000-5,000 खर्च करता है, ठीक है। अपने सब रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को बुलाता है, किसके बुलाता है, पूजा पाठ करवाता है, कि इन सब लोगों को पता लगे मैंने कपड़े की दुकान खोली। और हम इस बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? ना विजिटिंग कार्ड छपवाए, ना कोई बोर्ड बनवाना है, ना कोई ऑफिस खोलना है, ना कोई दुकान खोलनी है, सिर्फ क्या करना है, जो आपको सामने आए बस उसको बताना है वीकेंड के बारे में। बता सकते हैं जी? yes, तो मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। और तीसरा काम जो बहुत ज्यादा करना है वो है जी ज्ञान लेना है। बगैर ज्ञान लिए, बगैर नॉलेज लिए कुछ आने वाला नहीं है। तो वीकेंड की जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होते हैं, जूम मीटिंग होती है, उनको अटेंड करना है। यही से तो आप अमीर बनेंगे ना सर? yes, तो हमारी 7 बजे मीटिंग शुरू होती है, आज शाम को 7 बजे हमारी मीटिंग है। तो घर पे बैठेंगे खाली, जूम को कान में लीड लगाएंगे और सुनेंगे, तो वहां मैं या कोई ना कोई लीडर प्लान या ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं। आज क्या हो रहा है यहाँ पे, कि नॉलेज दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। yes, तो कभी भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग होती है तो उसको छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अगर सक्सेसफुल इंसान वाकई जिंदगी में बनना है, तो अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकता को सेट कर लीजिए। पहले क्या जरूरी है आपके लिए? Health, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में शादी है, प्रायोरिटीज कैसे सेट होती है? आपकी शादी है मान लीजिए, दोस्त भी या साले। अब यहां पे क्या है कि साले की शादी है, लेकिन अचानक आपके पास किसी का कॉल आ जाता है कि मुझे आपसे मिलना है। किसी का कॉल आ जाता है, आपका कोई दोस्त है पुराना, वो कहता है मुझे तुमसे मिलना है, तो आप क्या बोलोगे उसको? आप दोस्त से मिलने जाओगे, शादी में जाओगे? पहले दोस्त से मिलेंगे, फिर शादी में। नहीं, शादी में निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, बस निकल रहे हैं, तैयार है बिल्कुल। अब दोस्त का फोन आता है, तुमसे मिलना है, क्या बोलोगे? गलत टाइम पे फोन किया यार, शादी जरूरी है। प्रायोरिटीज कौन सी सेट है आपकी? शादी है ना, नहीं छोड़ सकते भैया, तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई है, सब बैठ गए तैयार हो गए, आपका इंतजार हो रहा है, आपको क्या नाम है, घोड़े की नाल पकड़नी है, वहां पे आपको कुछ मिलेगा, वो आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। अब आप घर से निकल रहे हैं, स्थिति को चेंज करते हैं, आप घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए, सब बैठ गए, अचानक आपको पता लगा, भगवान ना करे ऐसे किसी घर में हो,
आपका बच्चा गिरता है या घर में कोई गिरता है उसको चोट लग जाती है, उसके ब्लड बह रहा है, आप क्या करेंगे? आप बारात कैंसिल, क्यों बच्चे हैं उसी को देखेंगे, शरीर तो पहले देखना पड़ेगा, शरीर पहले देखना पड़ेगा, यानी कि क्या हुआ, स्थिति चेंज नहीं हुई, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई और वहां पे आपका दिमाग पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक अर्जेंट सेमिनार है जो डिसाइड हो गया, जैसे हरवीर जी, हरवीर जी कब जा रहे हैं आप? 9 बिहार में 9 तारीख को निकल, अब इनका सेट हो गया, 15 दिन पहले से सेट है, 9 तारीख को ये मिलेंगे बिहार में। अब इनके घर में कल कोई रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए और वो बोले हरवीर जी कैसे हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ये 9 तारीख को ना बिटिया का वो है शादी है या बेटे की शादी है सर, आपको जरूर आना है, या बेटे का जन्मदिन है बच्चे का, आपको जरूर आना है, हरवीर जी की प्रायोरिटीज क्या होगी? सेमिनार, सर इनको यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि सेमिनार के अंदर 50-100 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुका है, उस टाइम शादी छोड़नी पड़ेगी, जन्मदिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है या रिजर्वेशन के कारण या किसी और कारण से हरवीर जी चले जाएं, लेकिन अगर 9 तारीख को कोई सेमिनार आ गया, दिल्ली में कोई सेमिनार है मान लीजिए, आप ये आपको पहले से मालूम है 9 तारीख को है, और वो आदमी परसों आके आपको बोल रहा है जी 9 तारीख का बेटे का बर्थडे है, तो 90% लोग बर्थडे में जाएंगे, सेमिनार में नहीं जाएंगे, वो बर्थडे छोड़ो, सेमिनार छोड़ देंगे, बर्थडे में चले जाएंगे। इसका मतलब जिंदगी में कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता। तो आपकी जिंदगी में आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि पहले आपके लिए क्या जरूरी है। तो मैं अपनी मीटिंग में एक ही बात बोलता हूं, सबसे पहली प्राथमिकता कौन है आपकी? फैमिली। सबसे पहली प्राथमिकता कौन है? फैमिली। परिवार को देखिए, परिवार को नाराज नहीं करना है ना, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी फैमिली है सर, नंबर वन। दूसरा, दूसरी प्राथमिकता आपकी जॉब, आपका बिजनेस, इसको छोड़ना नहीं है, ये करना है सबसे पहले। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर वीकेंड नहीं आ रहा सर तो आप वीकेंड नहीं कर रहे हो, नेटवर्क बिजनेस नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर रहे हो, अगर तीसरी जगह पे आपने किसी और को रखा हुआ है, वो टाइम आप कहीं भी दे देते हो, जिस मर्जी को दे देते हो, फिर आप वीकेंड में लीडर नहीं बन सकते, फिर पैसा आपके पास नहीं आ सकता। पहले नंबर पे फैमिली, दूसरे पे बिजनेस और तीसरे पे वीकेंड। लेकिन कुछ लोगों को धीरे धीरे इतना समझ में आना शुरू हो जाता है, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या बन जाती है? क्योंकि उनको मालूम है वीकेंड अगर पहली प्रायोरिटी बन गई तो फैमिली और बाकी सारी चीज अपने आप जैसे अभी विनय जी ने बताया, इनके हस्बैंड, इनका बहू, इनका बेटा, इनका पोता सब शादी में गए हैं, लेकिन ये यहां बैठे हैं क्योंकि इनको मालूम था मेरी टीम आज आने वाली है। वरना हमारे पास एक लड़की भी काम करती है ऑफिस में, आपने देखा होगा अनु, है ना, उसको हमने बोला चल तेरे को नैनीताल घुमा के लेके आएंगे अपने साथ, 3 दिन का शानदार प्रोग्राम होगा, तेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको टेंशन होनी शुरू हो गई, पता है क्यों? कोई चाहती थी 3 दिन मुझे छुट्टी मिल जाए, 3 दिन में अपनी बुआ के जाऊंगी, इसके जाऊंगी, बहन की शादी है, ये शादी है, जिंदगी में कभी अमीर बन नहीं सकती। बात समझ आ गई? दूसरा आदमी क्या कहता, अरे जिम कॉर्बेट जाने को मिल रहा है, कुछ सीखूंगा जाके, है ना, कुछ अच्छा होगा, 3 दिन घूम के आएंगे, तो कॉर्बेट घूम के जाएंगे, उसको क्या दिखाई दिया, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी मेरे को, मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने परिवार के साथ घर में रहूंगी, वो खुश रहूंगी। तो घर में परिवार के साथ रहने से तो पैसा नहीं आ सकता साथ, तो आप अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे, जीवन में बहुत बड़ा कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3 काम अगर आप कर सकते हैं, पहला एवरी मंथ अपनी सेहत के लिए E30 ईमानदारी से खरीदना है, दूसरा हमें जो मिलता है उसको हमें वीकेंड के बारे में बताना है, तीसरा लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आना है। मैं गारंटी दे रहा हूं 1 साल ईमानदारी के साथ आप काम कर लीजिए, और 1 साल अगर ये सारे काम आपने क्रमवाइज अगर कर ली और प्रायोरिटीज अपनी सेट कर ली, तो मैं तिवारी जी को बोल रहा हूं, पिछली बार एक लेडी को बोला था, आज वो मीटिंग में नहीं आई है, उनको बोला था मैंने, आज आपको बोल रहा हूं, आप 15,000 की जॉब कर रहे हो सर, ये 3 काम 1 साल मेरे कहने से कर लो ईमानदारी के साथ, जो आप कौन लेके आपको एक बार इनके लिए ताली बजा दो, ये आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। ठीक है ना, 15,000 रुपए की आप जॉब कर रहे हो सर 25 साल से, 25 साल से तो नहीं कर रहे हो ना, 15,000 तो अभी कुछ सालों से मिलने शुरू होंगे, पहले तो कम ही मिलता होगा, 3 साल उसके साथ साथ, 1 साल उसके साथ साथ इसको कर लो सर, जो ये कहते रहे, जो हम बोल रहे हैं सिस्टम को आप अपना लो, और 1 साल के बाद अगर सारे काम करने के बाद आपको यहां से इनकम ना आए ना सर, आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं, मेरे ऑफिस में आ जाना, 15,000 रुपए महीना मैं दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑफिस में बैठ जाना, 15,000 मैं दूंगा आपको,
अब इससे बड़ी गारंटी क्या दे सकता हूँ? मुझे मालूम है आप कभी ऐसे जॉब मांगने नहीं आओगे, क्योंकि अगर ये तीन काम जिसने कर लिए वो 100% कामयाब होगा। और ये लगातार करने का ध्यान रखना, छोड़ना वो नहीं कि एक बार मीटिंग में आए और फिर 6 महीने मीटिंग में गायब, वो नहीं। एक किसी को प्लान दिखाया, उसको जोड़ दिया, आप उसी के इंतजार में बैठे, सर एक तो जोड़ दिया, 3 महीने तक कोई जोड़ना ही नहीं है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार जरूरी है। अभी बीना शर्मा जी परसों एक स्टेटमेंट दे रही थी कि जिस दिन से मैंने जूम शुरू किया है अपने मीटिंग शेड्यूल का, उस दिन से लेकर कोई जूम में आया हो ना आयो, किसी की प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन मेरी प्रेजेंट 100% है हर मीटिंग के अंदर, आपको हर मीटिंग में ही मिलेंगे। क्लियर है सर? तो नेटवर्क बिजनेस बहुत आसान है, वीकेंड बहुत आसान है, बस हमें सिस्टम से करना आना चाहिए। और मैं नहीं मानता इसमें कोई फैमिली डिस्टर्ब होती है, वो होती है, आप सब जो भी कर रहे हैं फैमिली के लिए कर, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीज आपको समझ में आई होगी, और कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।